प्रथला में बीजेपी की ओर से दोबारा टिकट नहीं मिलने से कार्यकर्ता खासे नाराज है। प्रथला विधानसभा से टिकट मांग रहे नयनपाल रावत ने आईएमटी चंदावली में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने नयनपाल से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं समर्थकों के कहने के बाद नयनपाल रावत ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा है कि 3 अक्टूबर को वो नामांकन भरेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में कुछ षड्यंत्रकारी घुस आए हैं जिन्होंने उनकी टिकट काट दी है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ षड्यंत्रकारी घुस आए हैं। उन षड्यंत्रकारियों ने चाहे कोई भी लालच से एक जीती हुई सीट, और केवल प्रथला की सीट नहीं, कई सीटें ऐसी हैं जो इस लोकसभा में बांटी हैं। इसलिए इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ही बुरा नुकसान होने जा रहा है। केवल एक सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत पाएगी।